हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीबी बॉय टीवी 20। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में। दोस्तों एसएसबी ट्रेड्समैन ऑल पोस्ट कितना है? दोस्तों पोस्ट है तुम लोगों का 1522। दोस्तों पहले पीएसटी होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, इसके बाद डीएमई आरएमई, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद आप लोगों का होगा दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट। दोस्तों चलो तो अभी हम लोग देख लेते हैं मेन चीज़ पर। तो दोस्तों इसका मेन मुद्दे क्या है? दोस्तों चलो हम देख लेते हैं इसका मेन मुद्दा। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन नोटिफिकेशन 2021। दोस्तों ओरिजिनल नेम क्या है? दोस्तों ओरिजिनल नेम है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। एडवर्टाइज नंबर कितना है दोस्तों? 338 आरसी एसएसबी सीटीएस 2020। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1522। वैकेंसी था दोस्तों, दोस्तों आप लोगों का वैकेंसी है 1522 ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों वैकेंसी नेम किया है दोस्तों, वैकेंसी नेम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। दोस्तों इनका सैलरी कितना है? दोस्तों इनका सैलरी है 21,700 से 59,100। दोस्तों जॉब लोकेशन क्या है? दोस्तों जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया आपका जॉब लोकेशन है। जॉब कैटेगरी क्या है? दोस्तों जॉब कैटेगरी है जनरल गवर्नमेंट जॉब। तो चलो दोस्तों हम अभी देख लेते हैं कितना पोस्ट पर, कौन सा पोस्ट पर कितना वैकेंसी है। चलो दोस्तों हम लोग अभी देख लेते हैं। दोस्तों ड्राइवर में कितना टोटल कितना वैकेंसी है? 574। ठीक है दोस्तों, यूआर का 148, एक सर्विसमैन का 36, ओबीसी का 114। दोस्तों अब एससी का कितना है? एससी का है 245, एसटी का है 31। दोस्तों लेबोरेटरी देख सकते हैं दोस्तों, कुक मेल, कुक फीमेल, कुक कितना है दोस्तों? कुक का वैकेंसी है 26,12,260। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, कुक मेल, कुक फीमेल, दोस्तों वाशरमैन मेल, वाशरमैन फीमेल, दोस्तों वाशरमैन मेल, मेल वाशरमैन फीमेल, बार बार मेल, बार बार फीमेल। दोस्तों उसके बाद क्या है? उसके बाद है दोस्तों सफाई वाला फीमेल, उसके बाद है वाटर कैरियर मेल, वाटर कैरियर फीमेल, उसके बाद है वेटर मेल, वेटर फीमेल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना पोस्ट पर, कौन सा पोस्ट पर कितना वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं, देख के आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा पोस्ट पर कितना वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं, देख के आप लोग इधर से दोस्तों कैप्चर कर सकते हैं, दोस्तों आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बस देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग नीचे देख सकते हैं कितना कितना वैकेंसी है दोस्तों, 1522 ऑल ओवर इंडिया में, ओबीसी का 566, दोस्तों एक सर्विसमैन का 114, ओबीसी का 336, एससी का 355, ठीक है दोस्तों, एसटी का है दोस्तों वैकेंसी। दोस्तों आप अभी हम लोग देख लेते हैं एसएसबी कांस्टेबल जॉब 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों एज लिमिट क्या है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एज लिमिट मिनिमम है दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए दोस्तों, एज लिमिट है मिनिमम 21 से 27 ईयर। दोस्तों ओबीसी का 3 वर्ष छूट दिया जाता है दोस्तों, एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट दिया जाता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इनका। तो दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना पोस्ट पर कितना, कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन दोस्तों होना चाहिए, माध्यमिक पास होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों उनके पास होना चाहिए। दोस्तों कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों? मोस्ट हैवी वैलिड हैवी लाइसेंस, दोस्तों आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए दोस्तों। और जितना भी पोस्ट है दोस्तों सबको
और दोस्तों जितना पोस्ट है उन सभी लोगों का लोगों के लिए दोस्तों 10 पास होना चाहिए और सबका पास दोस्तों क्या होना चाहिए दोस्तों सबका पास दोस्तों ट्रेड सर्टिफिकेट सबका पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं दूसरी बार सिलीगुड़ी में गया था, मेरे को ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए भागा दिया गया था दोस्तों। तो सबके पास दोस्तों ट्रेड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। और इनका दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या ले जाना चाहिए दोस्तों मैट्रिकुलेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, माध्यमिक का ऑल, 10 पास का ऑल डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए, आधार कार्ड दोस्तों, फॉर्म फिलअप का जो रजिस्ट्रेशन है ना दोस्तों, फॉर्म फिलअप का जो वो है वो ले जाना चाहिए दोस्तों, और ट्रेड सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी ले जाना चाहिए, और दोस्तों जो अब जहाँ का बासिंदा है दोस्तों वो जगह का दोस्तों बासिंदा सर्टिफिकेट, ठीक है ना दोस्तों वो ले जाना चाहिए दोस्तों। कॉन्स्टेबल पे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल सिटी ट्रेड्समैन सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, सिलेक्शन ये जरूर बात आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आप लोग अभी देख सकते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, पहले आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस PAT PST होगा दोस्तों, पहले आप लोगों का PAT PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोस्तों। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब क्या है दोस्तों, पहले आप लोगों का रनिंग होगा, उसके बाद आप लोगों का चेस्ट वेट हाइट ये सब लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद होगा आप लोगों का दोस्तों रिटर्न एग्जाम हो जाए, 100 मार्क का दोस्तों 2 घंटा टाइम है। उसके बाद लोग दोस्तों आप लोगों का होगा दोस्तों स्किल टेस्ट मतलब ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद आप लोगों का DME RME होगा, उसके बाद होगा दोस्तों आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट। तो चलो दोस्तों, तो दोस्तों मेल और फीमेल के लिए कितना किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है चलो दोस्तों हम लोग अभी देख लेते हैं दोस्तों। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 26 मिनट टाइम दिया जाता है दोस्तों, और फीमेल के लिए कितना टाइम दिया जाता है दोस्तों, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर दोस्तों 18 मिनट टाइम दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी मेल फीमेल दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PAT PST दोस्तों आपका हाइट लिया जाता है दोस्तों 170 सेमी दोस्तों, मिनिमम 170 सेमी, और चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल 80 सेमी, फुलाने का बाद 85 दोस्तों 5 सेमी आपको फुलाना चाहिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इधर से दोस्तों SC ST के लिए कितना हाइट है कितना चेस्ट है दोस्तों, आप लोग इधर से देख सकते हैं दोस्तों। और गोरखा लोगों के लिए दोस्तों क्या हाइट में क्या छूट दिया जाता है, चेस्ट में क्या छूट दिया जाता है दोस्तों, आप लोग इधर से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मेल फीमेल दोनों का इधर दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट करके दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी जानेंगे एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों, रिटेन एग्ज़ाम के बारे में हम लोग अभी जानेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम क्या है दोस्तों, एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों आप लोगों का। टाइम कितना दिया जाएगा दोस्तों, टाइम दिया जाएगा दोस्तों 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन का आपका लोगों का एग्ज़ाम होगा, और इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, सिलेबस है 25 इंग्लिश एंड हिंदी दोस्तों। आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं दोस्तों, दोनों में जो एक चूज़ करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों का। और दोस्तों उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों आपको GI है, GK है और मैथमेटिक्स है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों। और एक सर्विसमैन OBC के लिए दोस्तों ओरिजिनल के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, 50% मार्क्स आप लोगों का ले आना चाहिए। और SC ST के लिए दोस्तों 45% मार्क्स ले आना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इधर स्क्रीन में है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और एक बड़ा बात क्या है दोस्तों, आप लोगों का अगस्त महीने से दोस्तों आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, आप लोग फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आप लोगों का अगस्त महीने फिजिकल शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जितने भी कैंडिडेट है दोस्तों, पहले आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे दोस्तों,
फिजिकल के बारे में दोस्तों, रिटर्न एग्जाम के बारे में दोस्तों। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।